so welcome back to my channel today i will teach you class 12th chapter from english from vistas book journey to the end of the earth written by tushani doshi before you read if you want to know more about the planet's past present future the antarctica is the place to go to one voyage इसका मतलब है अगर हम लोगों को प्लैनेट्स के पास या प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में जानना है तो अंटार्कटिका ही एक प्लेस है जहाँ पे हमें विजिट करना चाहिए तो बॉन्ड वोएज मतलब होता है सेफ जर्नी अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में यहाँ पे जो नारेटर है वो कहाँ अपने आप को पाती है रशियन रिसर्च वेशल रशियन रिसर्च वेशल मतलब वसल मतलब सीप होता है तो रशियन रिसर्च वेसल में अब्रॉड मतलब यहाँ पे ऑन तो अपने वो कहाँ जा रही है कि रशियन रिसर्च वेसल में और उन लोगों का एक रिसर्च है उसका नाम है एकेडमिक सोकालसिक हेडिंग टूअर्ड दी कोल्डेस्ट मतलब डिरेक्शन हेडिंग मतलब डरेक्शन तो वो कहाँ जा रही है कोल्ड सबसे बर्फीला जगह ड्राई सूखा हुआ है विंडियस्ट विंडियस्ट मतलब होता है तूफानी हवा विथ अ लॉट ऑफ विंड कंटिनेंट इन इन द वर्ल्ड तो अंटार्टिका हम लोगों का ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पे बर्फीला इलाका है माय जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर तो इनका जर्नी स्टार्ट होता है 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास तो ये अपना जोग्राफिकल लोकेशन बताती है हम लोगों के नारेटर एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग नाइन टाइम जोन्स तो वो क्रॉस करती है नाइन टाइम जोन तो हर एक कंट्री का तरह तरह का टाइम जोन होता है तो so, इस तरह वो कंट्री नाइन कंट्री क्रॉस की है तो नाइन टाइम जोन भी कॉस किया सिक्स चेक पॉइंट्स चेक पॉइंट कहाँ होता है, so, है? जहाँ पर एक ऐसा जगह है जहाँ ट्रैवलर लोग को रोका जाता है किस लिए? पेक्शन के लिए कि फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है थ्री बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मेनी इकोस्फेयर तो इकोस्फेयर किसको बोलते हैं एक ऐसा सिस्टम वेयर ऑर्गेनिज्म यूज एज फॉर सर्वाइविंग अपने रहने के लिए ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट को यूज़ करते तो ये सब जगह से वो पास करती है कहाँ जाने के लिए अंटार्टिका में जाने के लिए तो ये जो राइटिंग स्टाइल है किस तरह का Descriptive writing style है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल है ठीक है बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द दटार्कटिक कंटीनेंट आई हैड बिन ट्रैवलिंग ओवर हंड्रेड आवर इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार एरोप्लेन एंड शिप तो हॉस्टे अंटार्कटिक कंटीनेंट में तो हंड्रेड आवर्स उनका हो चुका था पूरा कॉम्बिनेशन सब मिलाकर कार में एरोप्लेन में शिप में उनका जर्नी हुआ था तो पूरा मिलाकर हंड्रेड आवर्स कवर कर चुकी थी सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्टिक एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अन इंटरप्टेड एंड प्रोफाउंड वांडर तो अंटार्कटिका जब पहुंचती है तो उनको क्या देखने को मिलता है देखने को मिलता है वाइट लैंडस्केप वाइट लैंडस्केप क्यों है क्योंकि ये बर्फीला इलाका है और जो बर्फ होता है वो वाइट होता है पूरा बर्फ से कवर है और जहाँ तक उनका नज़र अनइंट्रप्टिड मतलब जहाँ तक उनको नज़र पड़ रहा है ब्लू हॉ मतलब वो उनको दिख रहा है पूरा वाइट ही वाइट लैंडस्केप जहाँ तक उनका नजर जा रहा है ब्लू हॉरिजन वाज रिलीफ तो उनको वहाँ पे वहाँ पे रिलीफ मिल रहा है फॉलोड बाई एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर उनको बहुत ही यहाँ पर जाकर बहुत ही वंडर हो रहा है कि कैसे इतना बड़ा और वाइट लैंडस्केप है वंडर एट्स इमेन वंडर के किस लिए इतना बहुत ज़्यादा ही लार्ज एरिया कवर करके रखा है एंड एट्स आइसोलेशन लार्ज एरिया है बट यहाँ पे एकांत एक में है बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन टाइम वेन इंडिया एंड अंटार्क्टिक देर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मार्क्स मतलब यहाँ पे एक टाइम ऐसा भी था जहाँ पर इंडिया और अंटार्क्टिका सेम ही लैंड मार्क्स में थे सेम ही सेम ही कनेक्टेड थे सेम ही जगह में दोनों ही थे ठीक है तो यहाँ पे आगे हम लोग को पता चलेगा स्टोरी जो इंडिया अंटार्कटिका दोनों ही सेम पार्ट कैसे थे ये हम लोग को जब हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर तो समझ में आएगा पार्ट ऑफ हिस्ट्री सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन ईयर्स एगो एक जॉइंट साउथ साउथर्न सुपर कॉन्टीनेंट मतलब सिक्सटी फाइव करोड़ साल पहले एक बहुत ही बड़ा जॉइंट साउथ साउथर्न सुपर कॉन्टीनेंट सभी कॉन्टीनेंट एक जगह नीचे में थे ठीक है नीचे जो वर्ल्ड होता है अंटार्टिका जहाँ पे है वहाँ पे सभी कंटीनेंट थे गोंडवाना तो सुपर कॉन्टीनेंट का क्या नाम था गॉन्डवाना डीड इन डीड एग्जिस्ट अभी भी है सेंट्रल रफ्री अराउंड प्रेजेंट अभी भी हम लोगों को देखने मिलेगा अंटार्टिका लेकिन वो अभी हम लोगों का अंटार्टिका हो गया थिंग्स वे क्वाइट डिफरेंट देन ह्यूमन हैड एंड अराइव ऑन द ग्लोबल सीन तब सिनेरियो अलग था तब ह्यूमन लोग नहीं आए थे एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर उस वक्त क्लाइमेट बहुत ही गर्म था ऑन ए ग्लोबल सीन एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर और वो जो क्लाइमेट था बहुत ही ज़्यादा ही वार्मर था होस्टिंग ए ह्यूज वैराइटी ऑफ होस्टिंग मतलब बहुत सारा हम लोगों के पास तरह तरह के फ्लो आते हैं फोन आते हैं ठीक है उसके बाद फॉर फाइव हंड्रेड ईयर गौंडवाना थ्री उड मतलब उसके बाद फाइव हंड्रेड तक वो गॉन्डवाना जो सुपर कॉन्टीनेंट था तब वहाँ पर था लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बट अराउंड द टाइम वन द डायनासोरस वेयर वाइप्ड आउट जब मतलब गोंडवाना कब तक था वो पूरा फ्लरिश हुआ ग्रो हुआ फाइव हंड्रेड मिलियन ईयर तक बट जब डायनासोरस लोग जब डिस्ट्रक्ट हो गए डिस्ट्रॉय हो गए एंड द एज ऑफ मैमल गॉट अंडर वे तब किसका एज आया मैमल्स का एज आया दैन लैंड मैस वॉज फोर्स टू सेपरेट इन टू कंट्री तो कुछ ऐसा आया ऐसा हुआ तो फोर्स होकर क्या वो सब कोई अपने आप को कंट्रीज में फॉर्म हो गए सब कंटिनेंट कंट्रीज में फॉर्म हो गए अलग हो गए बट बिफोर क्या था गोंडवाना ही में सबको था सो द एज ऑफ मैमल गॉट अंडर ट इन टू कंट्रीजिंग द ग्लोब मच एज वी नो टूडे तो अभी का जो ग्लोब हो गया जिस तरह भी है किस तरह है कंट्रीज और वही दिया है शेप का और जो हम लोग अभी आजकल जो जानते हैं तो विजिट अंटार्टिका नाउ इज़ टू बार्ट ऑफ हिस्ट्री अभी हम लोगों को अंटेटिका जान जाते हैं कि जानने के लिए कि क्या हुआ था हिस्ट्री में टू गेट द ग्रेस्प ऑफ वेयर वी कम फ्राम वेयर वी कुड बी पॉसिबली हीडिंग मतलब हम लोग कहाँ से भी आए हैं तो हम लोगों को जानना चाहिए कि हम लोग पहले कहाँ थे और अभी कहाँ आ गए इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलियन फोल्ड कॉर्डिलियन फोल्ड मतलब होता है माउंटेन रेंज एंड प्री कैम्बेरियन ग्रेनाइट शील्ड मतलब होता है लार्ज एरिया विद लो एलिवेशन कम ऊंचाई ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन उस वक्त ओजोन भी देखने को मिलता था उधर में कार्बन इवोल्यूशन एक्सटेंशन एक्सटेंशन एवोल्यूशन मतलब पता है ना क्या होता है ग्रोथ और एक्सटेंशन मतलब क्या होता है हम लोगों को क्या पता है डिस्ट्रॉय होना ना तो उसके बाद हम लोगों को लाइन जो है वेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन मिलियन ईयर्स अगर ये सब जो चीज हम लोगों को जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मिलियन ईयर ही हुआ है ये डेवलपमेंट जो हम लोगों को अभी देखने को मिलता है ठीक है तो इसके बाद हम लोगों को अगर ये सब ज़्यादा सोचेंगे तो माइंड बागलिंग हो जाएगा माइंड बॉगलिंग मतलब दिमाग चकरा जाएगा इतना ये सब सोचने सुन जाएगा ठीक है एंड इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थ वर्ड तो क्या हुआ था किस तरह इंडिया फॉर्म हुआ था तो ये हम लोग ये ये हम लोग इस ये एंटेक्टिका देखिए ये समझ सकते तीन चीज़ हम लोगों को यहाँ पे नारेटर एक्सप्लेन किए फर्स्ट एक्सप्लेन किए जो इंडिया है पहले नीचे के नीचे में था वो पुश करके नॉर्थ वर्ड जहाँ पे अभी अभी जहाँ उनका जहाँ पे इसका प्लेस है नॉर्थ वर्ड नॉर्थ वर्ड्स में तो अपने आप को फोर्स करके एशिया के पास लेके आया और बक्ल कर लिया मतलब वहाँ पर ही वहीं पर लॉक कर लिया वहीं पर वो अपना लेयर फॉर्म कर लिया और जो लेयर फॉर्म हुआ वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है हिमालय पहले वो डाउन में था फिर कर अचानक से वो क्या जैमिंग करके एशिया के कि वहां पे ही अपने आप को स्टक कर लिया और वहीं पे, पे हिमालय uh, एक ही जगह तो मतलब होता है uh, दूर हो गया नॉर्थ अमेरिका एक ही जगह uh, में थे जब वो लोग जब अलग हो गए तो क्या हुआ वो लोग लो ना एक ओपन कर दिया ड्रैग पैसेज तो वहां पे मतलब आने जाने के लिए ड्रैग पैसेज ओपन हो गया टू क्रिएट अगर ओपन हो गया ड्रैग पैसेज तो क्या होता है कोल्ड सर कम पोलर करेंट में तो ठंडा ठंडा हवा आने लगता है इसी की वजह से हम लोगों का जो अंटार्कटिका है फ्री है ठंडा है डिसोलेट एंड द बॉटम ऑफ द अर्थ इसीलिए वो क्या है अलग हो गया टूट गया जब डायरेक्ट पैसेज ओपन हो गया और इसीलिए वो नीचे चला गया बॉटम ऑफ द वर्ल्ड के उधर चला गया फर्स्ट सन वाटशिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ जो नैरेटर हम लोगों की साउथ इंडिया से है तो वो वाटशिप करती थी सन को टू वीक इन ए प्लेस फॉर नाइन्टी परसेंट ऑफ द टोटल आइस वॉल्यूम आर मैं इस तरह इंसान के लिए सर्वाइव करना बहुत ही कठिन टास्क है डिस्टर्बिंग टास्क हो जाता है क्योंकि वो सन वर्शिप करती थी बट यहाँ पे दो वीक वहाँ पे थी तो वहाँ पे नाइन्टी परसेंट ऑफ अर्थ वहाँ पे जो है पूरा आइस से कवर था आइस से वॉल्यूम्स वहाँ पे वो देखने को मिलता है उनको ठीक है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लेस ठीक नहीं है स्टोर्ड इज अ चिलिंग प्रॉस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेट ट्री एंड मेटाबॉलिक फंक्शन मतलब उनके लिए बहुत ही टफ यहाँ पे टफ है क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन क्या सर्कुलेटरी मतलब ब्लड सर्कुलेशन में भी दिक्कत होता था मोटाबोलिक फंक्शन मतलब खाने खाने पीने डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत होता था बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन और यहाँ पे इमेजिनेशन क्योंकि वो ऐसी जगह से आई है कि वहाँ पर सन देखने को मिलता है अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ का सर्वाइव करना बहुत ही ठीक रहता है बट यहाँ पे तो सीनारियों ही पूरा डिफरेंट है इनको यहाँ पे अलग चीज़ें देखने को मिलता है इट्स लाइक वॉकिंग इन्जॉय जॉइन पिंग पॉन्ग बॉन् ऐसा लग रहा था कि वो वॉक कर रही है जाइंट पिंग पॉग बॉल में नेक्स्ट हम लोगों का यहां एनी ह्यूमन मार्कर मतलब ऐसा लग रहा है कि पिंग बॉल ही चल रहा है कोई यहां पे डिवाइड लैक ऑफ ह्यूमन कोई ह्यूमन नहीं है यहाँ पे नो no ट्रीज कोई ट्रीज नहीं है ना ही बिल बोर्ड ना ही एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है क्योंकि ऐसे हम लोगों को बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर देखने को मिलता है है कि नहीं बट यहां पे कुछ नहीं है ना ही बिल्डिंग है यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव यहाँ पे सब कुछ लूज हो जाता है जो हम लोग अर्थ में देखने को मिलता है सब जो हम लोग सोचते हैं जो हम लोगों का पर्सपेक्टिव रहता है पॉइंट ऑफ व्यू रहता है एंड द टाइम है जो हम लोग टाइम दिखते रहते हैं द विजुअल कैन रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू माइटी मतलब छोटे छोटे चीज़ से लेकर बड़े बड़े चीजें देखने को मिलते हैं मीजेस मतलब होता है स्मॉल इंसेक्ट जैसे होता है मॉस्क्यूटो मॉस्क्यटो होता है फ्लाइज होता है उस तरह का भी हम लोगों को देखने को मिलता है माइट्स मतलब ये स्मॉल इंसेक्ट है बट किस तरह के दिखने में होते हैं स्पाइडर की जैसे दिखने में होता है ये सब माइट्स हुए टू द तो ब्लू वॉल्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं एंड आइसबर्ग एज बिगेस्ट कंट्री आइसबर्ग मतलब पता है बर्फ़ का पहाड़ तो यहाँ पे पूरा कितना बड़ा है जो सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड हुआ है यहाँ पे द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम बेल्जियम कंट्री का बराबर में हम लोगों को आइसबर्ग देखने को मिलेगा बर्ग्स डेज गो ऑन गो ऑन इट्स सर रियल ट्वेंटी फोर आवर मतलब ऐसा लग रहा था कि, कि ड्रीम सपने की तरह यह दिन गुजर रहे हैं सर रियल मतलब ड्रीम लाइट ट्वेंटी फोर आवर ऑस्ट्रल समर लाइट एंड यू बी यूबीटियस यूब साइलेंस यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोगों को ऐसा लग रहा था जो ऑस्ट्रल मतलब रिलेटेड टू तो इस तरह टाइम गुजर रहा था तो यू बी टी एस साइलेंस मतलब एवरीवेयर सब जगह यहाँ पे साइलेंस था, था क्यों साइलेंस था क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन तो था ही नहीं जो आवाज़ होगा बट यहां पे साइलेंस था बट कब इंटरप्टेड हो रहा था कब इंटरप्टेड होता था जब यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि साइलेंट होता पर यहाँ पे एवलांचे का एवलांचे मतलब बहुत सारा बर्फ बर्फ का टुकड़ा गिरता है तो बारिश होता है तो उससे बहुत ही आवाज़ साउंड क्रिएट होता था कार्विंग आइस बहुत सारा जब टूटता था तो यही चीज़ कॉन्सक्रेट्स द प्लेस कॉन्सक्रेट्स द प्लेस मतलब पवित्र बनाता था इट्स एन इमोशन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द अर्थ यही सब चीज़ हम लोगों को देखेंगे तो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ है जो हम लोगों को जाना चाहिए आर्ट का जो जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल मतलब स्टडी ऑफ अर्थ यहाँ पे ये सब, दे, सब देख ये देख कर हम लोगों को पता चलेगा कि आर्ट्स का किस तरह हिस्ट्री था एंड फॉर ह्यूमन द प्रोग्नोसिस इज एंड गुड बट ह्यूमन के लिए ये इनके ओपिनियन में ये इंडिकेट करती है कि ये सर्वाइविंग के लिए अच्छा नहीं है उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे ह्यूमन्स के लिए अच्छा नहीं होगा Now, human impact. Human civilization have been around for a paltry twelve thousand years. मतलब हम लोग का जो human civilization form हुआ है वो लगभग कितना हुआ है years? Twelve thousand year. ईयर बियरली एज फ्यू सेकेंड ऑन जियोलॉजिकल प्लॉक मतलब ये ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोगों का अर्ट के लिए सिर्फ ये फ्यू सेकेंड हुए जो जियोलॉजिकल क्लॉक है वो उसके लिए सिर्फ फ्यू सेकेंड हुआ है ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट ए क्विक रक्स मतलब हम लोग इतना इतने छोटे ही टाइम शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में हम लोग हंगामा क्रिएट कर दिए ईचिंग नेचर को कटिंग कर रहे हैं और अपना डोमिनेंस फैला रहे हैं ओवर नेचर टू क्रिएट आवर विलेज हम लोग नेचर का कटिंग क्यों कर रहे हैं ताकि ह्यूमन डेवलप हो ह्यूमन डेवलप हो विथ आवर विथ आवर विलेजेस टाउन सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़ ये सब कटिंग करके नेचर को काट कर, कट करके कर हम लोग विलेज टाउन सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं द रेपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेव अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज़ फॉर लिमिटेड रिसोर्स ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसके वजह से हम लोगों के लिमिटेड रिसोर्स लेकिन ह्यूमन बढ़ते जा रहे हैं लेकिन रिसोर्स तो लमिटेड होता है एंड अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल हैज़ क्रिएटेड ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाईक्साइड अराउंड द वर्ल्ड विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर लगातार हम लोग बर्न कर रहे हैं फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड क्या उससे ज़्यादा हम लोगों को वर्ल्ड में देखने को मिलेगा और इसके वजह से हम लोग ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाएगा तो ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाएगा तो अगर ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्लाइमेट चेंज होने लगेगा क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड इन्वायरमेंट डिबेट ऑफ आवर टाइम मतलब क्लाइमेट uh, जब चेंज हो रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हम लोगों का किस चीज़ पे टॉपिक रहता है कि यहाँ पे हम लोगों का क्लाइमेट चेंज uh, हो जा रहा है किसके वजह से टम्परेचर राइज हो जा रहा है तो जा, सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट का यही मेन इशू रहता है इसी के ऊपर हमेशा डिबेट होते रहता है विल द वेस्ट अंटार्टिक आइस शीट मिल्ट एंटायरली क्या वेस्ट में जो अंटार्टिक है वो मिल्ट हो जाएगा विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करेंट भी डिस्ट्रप्टेड मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जो होता है वेल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट क्या इसके वजह से हम लोगों का वर्ल्ड भी एंड हो जाएगा मे बी मे नॉट मतलब हो भी सकता है नहीं भी आई वे जो भी हो अंटार्क्टिका इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर ह्यूमन पॉपुलेशन एक अंटार्टिका ही ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रह सकता देयर फॉर रिमेन रिलेटिवली क्रिस्टाइन इसी लिए वो हमेशा परफेक्ट रहता है ना ही कोई ह्यूमन इंटरफेयर करता है इन दिस इन दिस रेस्पेक्ट विच नेवर सस्टेन ए ह्यूमन पॉपुलेशन देयर फॉर रिमेन रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रेस्पेक्ट बट मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड इट्स आइस कोर मतलब ये जान्ट में है बहुत सारा चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगा आइस कोर के नीचे अंडर आइस के नीचे हम लोगों को हाफ मिलियन ईयर देखने उस वक्त किस तरह कार्बन रिकॉर्ड होता था अर्थ का पास्ट में मतलब तरह तरह का चीज़ें पता चलेगा अर्थ के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में अंटार्टिका ही इज द अंटार्टिका इज द प्लेस टू गो स्टूडेंट ऑन आइस द प्रोग्राम तो उन्हों का जो प्रोग्राम था उसका क्या नाम था स्टूडेंट ऑन आइस ठीक है आई वॉज वर्किंग विथ ऑन सोकालसी मतलब वो काम करती थी, थी इस रिसर्च के साथ रिसर्च जो हुआ था उन उसका एम क्या था इस रिसर्च का मेन एम था एम टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड तो यहाँ पे जो भी हाई स्कूल स्टूडेंट थे उन्हीं को लेके जाया जाता है ताकि वो लोग विजिट कर सके कहाँ पर एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइड देम विथ इंस्पायरिंग एडुकेशनल अपॉर्चुनिटी विच हेल्प देम टू इंकरेज न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लानेट ताकि वो लोग नया नया इंस्पायर हो सके न्यू जो जनरेशन है वही लोग तो आगे जाके पॉलिसी फॉर्म करेंगे अपने कंट्री के लिए इसलिए हाई स्कूल स्टूडेंट को ले जाया जाता है एंड ऑफ द वर्ल्ड में और ताकि वो लोग को अपॉर्चुनिटी मिले और नया नया चीज़ समझ सके रिस्पेक्ट दे रेस्पेक्ट करें अपने प्लानट को इट्स बीन एन ऑपरेशन फॉर सिक्स ईयर नाउ अब छः साल हो चुका है इस ऑपरेशन का और ये कौन इसकेड थे बाई कैनेडा जियो ग्रीन ये कौन ये हेड कौन ये करते थे मतलब लेकर जाते थे उस, उनका नाम था जियो ग्रीन जियो ग्रीन ही वो मेन फाउंडर थे इस प्रोग्राम के हु गॉट टायर्ड ऑफ काटिंग मतलब वो कार्टिंग मतलब ढोकर वो पहले पहले इस जो प्रोग्राम में था वो किसको लेके जाते थे सेलिब्रिटीज़ को जो रिटायर्ड रिच पर्सन था उन्हीं लोग को लेके जाते थे पर ये इन लोगों को ले जाकर कोई फ़ायदा नहीं होता था उनको चाहिए जो क्रियोरिटी क्रियोसिटी सीकर लोग थे हु कुड ओनली गिव बैक इन लिमिटेड वे मतलब वो वो उनको लगता नहीं था कि वो लोग कुछ इन्फॉर्मेशन ला के दे सकते हैं उनको तो इसलिए उनको ये उन उन लोगों को ढोकर ले जाना बंद कर दिया जो सेलिब्रिटीज थे जो बहुत अमीर अमीर व्यक्ति थे वो लोग जाते थे और खा पी कर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देता खा पी कर सिर्फ सोते रहते थे ऐसा उनका मानना था बट उनको चाहिए था जो इस सब के जानने के लिए बहुत ही इच्छुक हो तो यहाँ पे क्या है इसीलिए वो हाई स्कूल स्टूडेंट को लेके जाते थे तो क्रियोसिटी सीकर हु कुड ओनली गिव बैक इन लिमिटेड वे तो वो जो जो इन लोगों के तो कुछ जानने की इच्छा नहीं थे तो इन लोग कुछ नहीं उतना खास इन्फॉर्मेशन ला सकते थे With student on ice uh, with student on ice, he offered the future generation policy policymaker a life-changing experience at the age when they were ready to absorb, learn and most importantly act. मतलब ये इन लोगों को ले जाना ज़्यादा फ़ायदा मंद है क्योंकि वही हम लोगों को फ्यूचर जनरेसी जनरेशन में पॉलिसी बनाएंगे और उन्हीं के एक्सपीरियंस हम लोगों को आगे देखने को मिलेगा अगर वही लोग आगे का चीज़ सोचेंगे देखेंगे तो ये ज़्यादा ही हम लोग वो लोग एक्ट करने में हेल्प होगा ठीक है द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनी वेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट अफेक्टेड बाई इट इट इज़ इजी टू इग्नोर अबाउट पोलर मतलब ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल करना बहुत ही ज़रूरी है बट इट इज़ मतलब इम्पॉसिबल भी है साउथ पोल में जाना उतना जल्दी कोई जा भी नहीं सकता साउथ पोल तरफ में इट इजी टू कोई जल्दी सोचता नहीं है साउथ पोल के उधर में जाने का लेकिन सबको इग्नोर करने में उन लोगों को आसानी लगता है अबाउट जो मेल्ट हो रहा है उन लोगों को सीरियस नहीं लगता इग्नोर कर देते कि कैसे मेल्ट हो रहा है और अपने आप को कंफर्ट जोन में ही रखना पसंद करते हैं कि जहाँ पे उनको कंफर्ट मिले जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ का लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कम्फर्टेबल प्लेस है बट उन लोगों को इच्छा नहीं होता है कि साउथ पोल में जाके देखेगी क्या है क्या नहीं इसीलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किए थे ताकि लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर हो सके बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर रिट्रेटिंग आइस सेल्फ कोलेपसिंग मतलब धीरे धीरे ग्लेशियर पिघल जा रहे हैं कोलेप्स हो रहे टूट जा रहे यू बिगेन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज रियल एंटार्टिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम फ बायोडाइवर्सिटी एंटार्टिका में बहुत ही सिंपल इकोसिस्टम है और द बायोडाइवर्सिटी उधर नहीं है इट द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हा लिटिल चेंजेस इन द यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करता है जल्दी इन्वायरमेंट में इसलिए हम लोगों को बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं कैन हैव बिग इम्पैक्ट ये हम लोगों को बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट uh, मतलब इन्वायरमेंट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा टेक के द माइक्रोस्कोपिक फाइटो प्लान्टॉन दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिस एंड सस्टेन द एंटायर साउथन ओशन फूड चेन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम है जो हेल्प करता है सस्टेन करने में किसको पूरा साउथ ओशन फूड चेन को ये बहुत ही इम्पैक्ट करता हैल्प करता है ताकि नरिस हो सकें दिस सिंगल सेल प्लान यूजेज द सन्स एनर्जी टू एसीमलेट कार्बन सिंथीसिज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैट वंडरस एंड मोस्ट मोस्ट ऑफ ऑल मतलब यही जो सिंगल सेल है वही हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में कार्बन और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस को अ, करने में हेल्प करता है इम्पॉर्टेंट प्रोसेस क्या है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है साउथ इन रीजन को साइंटिस्ट वॉन्ट दैट फर्दर डिप्लेशन इन द ओजन लेयर विल एफेक्ट अगर ओजन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगा अफेक्ट हो जाएगा जो तो फिर उसके वजह से द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइटो भी इफेक्ट होने लगेंगे उनका भी अगर वो इफ़ेक्ट होगा तो जो मैराइन एनिमल्स रहते हैं वो भी ख़त्म होने लगेंगे और यहाँ पे जो बर्ड रहते हैं वो भी डिस्ट्रॉय होने लगेंगे एक्सटिंट होने लगेंगे एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल और कार्बन साइकिल में भी डिस्ट्रॉय हम लोगों को देखने को मिलेगा इन द पैरबल ऑफ द फाइट ऑफ प्लैटन देयर इज़ ग्रेट मेटर फॉर एग्जिस्टेंस अगर उसी अगर वो ही खत्म होने लगेंगे उस तरह करके हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोगों को सभी टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग एंड द बिग थिंग विल फॉल इन टू प्लेस इसीलिए हम लोग को न ही छो ये छोटा ही ऑर्गेनिज़म है लेकिन हम लोगों को सभी को टेक केयर करना पड़ेगा सिर्फ छोटा ही थिंग्स को नहीं बड़े बड़े इश्यू को भी देख रखना होगा अदरवाइज हम लोगों का अर्थ तो जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसलिए हम लोग छोटा सा बड़ा हर चीज़ को कर करना पड़ेगा वॉक ऑन दी ओशन माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सर्च एफियनिज रियलाइजेशन मीन्स बट द बेस्ट ऑकर जस्ट शॉर्ट ऑफ अंटार्क्टिक सर्कल एट सिक्सटी फाइव पॉइंट फिफ्टी फाइव डिग्री साउथ अब यहाँ पर भी फिर से वो जोग्राफिकल लोकेशन शेयर कर रही है कहाँ का अंटार्क्टिका का तो क्या है सिक्सटी फाइव पॉइंट फिफ्टी फाइव डिग्री साउथ दिक मैनेज टू वीच मतलब मिडिल हर सेल्फ इन टू अ थी पॉइंट स्ट्रीच ऑफ आइस तो आइस के उधर में वो लोग थे बिटवीन द पेनसुला पेनसुला एंड टैड पोल आईलैंड विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर मतलब आगे जाने का उन लोग यहीं पर रुक गए थे मिडिल में ही रुक गए थे किसके बिटवीन में पेनिन्सुला एंड टैडपुल आईलैंड के उधर में वो लोग रुके हुए थे और आगे नहीं जा पा रहे थे द कैप्टन डिसाइडेड वी वी आर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ अब हम लोग जाएंगे नॉर्थ में बट बिफोर वी डिड वी वी आर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन ऑन द गैंग प्लैंग उतर जाने को बुलाया जा रहा था एंड वॉक ऑन द ओशन और चलने को बोला जा रहा था ओशन का उधर में सो देयर वी वेयर और हम लोग कितने जन थे फिफ्टी टू अस तो फिफ्टी टू हम लोग थे आउट ऑफ गोड टेक्स एंड ग्लेयर्स वॉकिंग ऑन मतलब हम लोग पहने हुए थे वाटर प्रूफ फेवरिक और हम लोग चल रहे थे और कम्प्लीट वाइटनेस डार्क वाइटनेस मतलब कम्प्लीट पूरा वाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर मतलब हम लोग जब उतरे थे तो पूरा वाइट ही वाइट दिख रहा था क्यों दिख रहा था क्योंकि वो आइसी प्लेस है अंडर नीथ आवर फीट वज मीटर थी आइस पैक मतलब हम लोगों के फीट ही नीचे पूरा ही आइस ही आइस था एंड अंडर नीथ द वन एटी मीटर ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर कितना ब्रीथ कर रहे थे नीचे हम लोगों का सॉल्ट वाटर इन दी फेरी फेरी क्रैबीटर फेरी फेरी क्रैबिटर एक जानवर है सील की तरह क्रैबिटर सील फिर स्ट्रीचिंग एंड सर्निंग मतलब वो अपने आप को स्ट्रेच कर रहे थे और सन का रोशनी ले रहे थे देम सेल्फ ऑन फ्लोज मच लाइक मतलब स्ट्रेट डॉग्स के तो स्ट्रेट डॉग मतलब मतलब आवारा कुत्ते मतलब अब सन ले रहे थे तो यहाँ पे जो सील है विल डू अंडर द सेड ऑफ बनियन ट्री इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिवोल्यूशन मतलब डिस्कवरी एवरीथिंग डज इन कनेक्ट इन कनेक्ट नाइन फिर अब वो ये जर्नी ख़त्म हो गया तरह तरह चीज़ उनको डायरेक्टर को डिस्कवर की नाइन टाइम जोन फिर से अब वो रिटर्न जा रही है तो सेम नाइन टाइम जोन पास कर रही है सिक्स चेक पॉइंट थ्री बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी इक्वसफियर ले आई विल स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन द प्ले ऑन आवर प्लानट ब्यूटी जिस तरह प्ले करती है हम लोगों को प्लानेट में वो बहुत ही उनको वंडर 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 होती है। how would it be if antarctica were to be become the warm place that it once used to be pehle lekin itna cold place nahi tha pehle jo hum logo ka antarctica tha bahut hi warm tha but now it is very cold place will we be around to see it would we have gone the way of dinosaurs हम लोगों क्या पहले यहाँ पे ही डायनासोरस ममूत थे ममूत मतलब बड़े बड़े एलिफेंट थे and उली राइनोज रहते थे कौन बोलेगा कि हाँ वहीं रहते थे होज टू से कौन बोलने के लिए कि हाँ यहीं पे डायनासोर्स थे ममूज थे बट आफ्टर स्पेंडिंग टू वीक विथ बंच ऑफ टीन एजर हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड जो हम वो जो फिफ्टी टू पीपल्स के साथ गई थी तो उसमें टीन एजर्स थे तो जो टीन एजर्स थे उन लोगों के पास ये आइडियलिज्म था कि हम लोगों को वर्ल्ड को सेव करना चाहिए ऑल आई कैन से इज दैट अ लॉट ऑफ हैपन इन ए मिलियन ईयर्स बट वट ए डिफरेंस डेमिक्स एक दिन ही वहाँ गुजारे तो हम लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला कि हाँ ये भी चीज़ हुआ था मिलियन ईयर पहले तो यही चीज़ भले वो टू वीक्स वहाँ स्पेंड किए लेकिन बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक डे में ही कलेक्ट किए जो हुआ था मिलियंस ऑफ़ ईयर सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉमेंट दैट डाउट इन अंडर माई वीडियो यूट्यूब वीडियो थैंक यू